रांची में टीवीएनएल ने एक सेमिनार का आयोजन किया। इसमें खेतों में बची पराली और अन्य बायो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बिजली उत्पादन में कैसे किया जाए, इस मामले पर चर्चा हुई। पराली इस्तेमाल यदि थर्मल पावर स्टेशन में किया जाए तो बिजली के साथ साथ किसानों को भी अच्छी आमदनी मिल सकती है। फसल कटने के बाद किसान खेतों में पड़ी पराली, घास फूस और अन्य बायो प्रोडक्ट को जलाते हैं या वह प्रोडक्ट बेकार पड़े रहते हैं। अब पावर जनरेशन सेक्टर में किसानों की इन बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। इस वक्त देश के 2 दर्जन से अधिक थर्मल पावर स्टेशन में कोयले के साथ साथ इन बाय प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बिजली पैदा हो रही है। एक तो इससे प्रदूषण का समाधान हो रहा है, दूसरा किसानों को भी इसकी अच्छी कीमत मिल रही है। यह थोड़ा महंगा हो सकता है, फिर भी ये आपके हमारी आने वाली जनरेशन के जीवन से अधिक कीमती नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर हम इसे जीवन के तौर पर देखें तो इसकी कोई कीमत नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो भी अगर इसमें कुछ कीमत अगर ज़्यादा भी है, किंतु ये कीमत लौट करके हमारे किसान भाइयों को ही तो मिल रही है, जो अल्टीमेटली हमारे देश के जो अन्नदाता हैं उन तक ये वापस वैल्यू पहुंच रही है। झारखंड में भी कई थर्मल पावर स्टेशन है जो कोयले पर निर्भर है। कोयले का इस्तेमाल अब धीरे धीरे कम किया जाना है क्योंकि कोयले का भंडार भी कम हो रहा है और खनन में कई तरह के समस्याएं भी आती हैं। एक अनुमान के मुताबिक झारखंड में 5 मिलियन टन बाय प्रोडक्ट मौजूद है जिसका इस्तेमाल थर्मल पावर स्टेशन कर सकते हैं। किसानों का जो फसल से जो अवशिष्ट है, जो रिसीव्ड है, उसको यूज करके हम लोग वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना करके थर्मल पावर स्टेशंस में इसको यूज करना है, जो कि कोल का एक सब्स्टिट्यूट भी है। तो इससे हमारा पोल्यूशन भी जो कम हो जाएगा, एयर पोल्यूशन जो कि किसान जला देते हैं पराली, वो भी बंद हो जाएगा। और इसका यूज हम लोग सही मायने में इसको प्रोसेस करके मैन्युफैक्चरर के थ्रू पावर प्लांट में यूज करेंगे। झारखंड में इस तरह का यह पहला सेमिनार था जिसमें टीवीएनएल और उससे जुड़े कई थर्मल पावर स्टेशन प्रतिनिधि और बाय प्रोडक्ट संग्रह से जुड़े कई निजी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद थे जो इस दिशा में पहल कर रहे हैं। हम इस पराली को या जिसको हम लोग अपनी भाषा में इधर पुआल बोलते हैं, उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए और बेहतर इस्तेमाल के साथ साथ इसको जो थर्मल पावर प्लांट के जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको भी कम किया जाए और किसानों की आमदनी को भी बढ़ाने का एक ये जरिया बनेगा। केंद्र सरकार भी चाहती है कि किसान बायोमास से अतिरिक्त आमदनी करे, इससे किसान समृद्ध होंगे और पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में जिस तरह प्रदूषण की समस्या है उससे भी छुटकारा मिलेगा। कैमरामैन कुणाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।